रेलवे स्टेशन के पास घर हो तो कह देते हैं रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है। जैसे थाने के पास में घर होता है तो घर के लोगों को टेंशन नहीं होता कि चोर आएगा, क्योंकि बाजू में कौन बैठा है, बोलो जम के बोलो जरा, थानेदार बैठा। अब थाने के पास में अगर घर होगा तो चोर उसमें घुस ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे थाने के पास किसी का घर होता है तो उसको अकड़ आ जाती है, अगर आपके घर के पास में कोई शंकर का शिवालय हो तो आपको भी अकड़ आना चाहिए कि मेरे पास महादेव रहते हैं, मेरे पास देव अधिदेव महादेव रहते हैं। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं आता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक होता है, जो शंकर का उपासक होता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं फल पूरा मिले। पहले का व्यक्ति सोचता था कि मेहनत पूरी करूंगा तो फल पूरा मिलेगा, पर आज के जमाने में व्यक्ति ये सोचकर बैठता है कि मैं मेहनत कम करूं और फल ज्यादा मिले, मेहनत कम करूं सफलता ज्यादा मिले। और कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जा, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुम्हें एक भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगा, मैं तुम्हें एक नरियल दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा जिससे तुम्हारे पास में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सारा फल मिल जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम मेरे पास में आके बैठना तुम सफल हो जाओगे। ऐसा बाबा जोगी कोई तुम्हें मिले, ऐसा कोई बोलने वाला मिले कि मेरे पास आकर बैठना मैं तुम्हें ये दे दूंगा तुम सफल हो जाओगे, मेरे पास आकर बैठना मैं तुम्हें ये दे दूंगा तुम्हें फल अधिक मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है और तुम्हें चूना लगाने वाला है। समझ लेना कि पक्का झूठेला है, तुम्हें चूना लगाने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेहनत करने वाला, अपना कर्म करने वाला, अपना प्रयास करने वाला, अपनी मेहनत लगन में लगने वाला कभी असफल नहीं होता, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता। और कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ना ना ना, ना। ऐसे ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पड़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है, जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेंगे, पाँव नहीं हिलाना पड़ेंगे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना, जाओ। आप अपना